यहाँ से शुरू हुआ। हम ही सबको बताएं फोन कर पूछिए आदमी से पूछिए ऐसे से बोले आ जाओ कहाँ के आ रहे लगभग दो सालों के बाद आज हॉस्पिटल का ताला खुला है। जी 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 कितनी खुशी जी क्या कहेंगे अप्रैल हॉस्पिटल का खुल गया है। खुशी की बात है कि अब सील दो साल के बाद खुला है तो खुशी की बात है। स्कूल में जो गलतियां हुई थी जिसके कारण सील हुई थी वो सब अब दूर हो गई। गलतियों का तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो इंक्वायरी चल रहा है उसका, लेकिन पुरानी सेवा फिर बहाल की जाएगी। कब तक शुरू हो जाने के उम्मीद? सिविल सर्जन के यहाँ से परमिशन मिलने के बाद। सर क्या कितने दिन बाद यहाँ जो पहले करीब डेढ़ वर्ष हो गया था सील किया गया था, आई हॉस्पिटल है ये, और उसी सील को आज हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो है सो सील को तोड़ा गया है, खोला गया है। कुल कितने कमरों को सील किया गया था? जो भी हो 5 या 6 कमरा था, जो OTP ये सब जो था OTP सब को किया गया था और सभी को खोला गया है सील। लगभग कितने दिनों के बाद ये खोला गया? करीब डेढ़ वर्ष हो चुका था इसका, 2 दिसंबर 2022 में ही इसको 21 में ही इसको बंद किया। ये मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल थी जो वर्ष 2021 में सील हुई थी, उसका माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो भी कुल 5 कमरा सील थे जिसमें OPD थे, डॉक्टर के बैठने का चैम्बर था और दवा दुकान सब था, सबको सील हटाया गया है मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में। 4 दिसंबर 2021 को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के इसी OPD में 60 लोगों का ऑपरेशन हुआ था जिनकी आंखों की रोशनी जाने के बाद इसे सील कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि उसके बाद आज हाईकोर्ट के आदेश पे मजिस्ट्रेट की तैनाती कर इस OT को समेत दवा काउंटर और कार्यालय को खोल दिया गया है। मुजफ्फरपुर का आई हॉस्पिटल जो एक चैरिटेबल संस्था है, अब मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल और SKMCH में इस घटना के बाद आँख के ऑपरेशन की सुविधा शुरू की गई। इससे पहले मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए सरकारी स्तर पर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी जो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल गरीबों को उपलब्ध कराती थी। एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि अब पहले से बेहतर तरीके से मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल गरीबों को आँखों की रोशनी लौटाएगा। मुजफ्फरपुर में 1.5 साल पहले लगभग ये बंद हुआ था जिसे आज मजिस्ट्रेट की तैनाती कर खोल दिया गया है। मुजफ्फरपुर कोरबा कांड के बाद इसे सील कर दिया गया था जिसे आज मजिस्ट्रेट की तैनाती में खोला गया है। अब देख सकते हैं कि कितनी खुशी है यहाँ के लोगों में कि एक बार फिर से आई हॉस्पिटल जो है वो गरीबों को अपनी सुविधा उपलब्ध करा पाएगा। मुजफ्फरपुर में इसके बाद सदर अस्पताल और SKMCH में कुछ सुविधा उपलब्ध कराई गई थी पर दूरी होने के कारण गरीब लोग वहाँ नहीं जा पाते थे, जिन्हें आई हॉस्पिटल के जरिए एक बार फिर से इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यहाँ के प्रबंधक ने कहा है कि जल्द ही CS से आदेश पर यहाँ पर ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से नवा टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं संदीप कुमार।